हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा मार्जिन्स। जैसे ही मार्जिन्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर अलग अलग तरह के मार्जिन्स आपको मिल अवेलेबल हो जाएंगे कि अगर आप नॉर्मल मार्जिन चाहते हैं तो नॉर्मल मार्जिन्स ले सकते हैं। ये आपको प्री डिफाइन मार्जिन्स हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसके अकॉर्डिंग आपका पेज सेट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेज के अंदर जो मार्जिन्स हैं अगर आप खुद प्रोवाइड करवाएँ तो उसके लिए आप कस्टम मार्जिन पर जाएंगे। कस्टम मार्जिन पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर मार्जिन टैब ओपन होगा और यहाँ से आप लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से और राइट से अलग अलग मार्जिन्स दे सकते हैं अपने पेज को। जैसे कि हमने यहाँ पर इसे एक अलग से मार्जिन्स अगर आप बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पोर्ट्रेट पेज चाहें तो पोर्ट्रेट पेज ले सकते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट में जो पेजेज होंगे वो लेंथ वाइज होंगे और लैंडस्केप में जो पेज होंगे वो विड्थ वाइज होंगे। और इसी तरह से एक ऑप्शन आता है आपके पास गटर्स। देखिए अगर गटर को हम हटा दें तो लेफ्ट साइड से जो आपका पेज होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए कम हो जाएगा। और गटर्स बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं फ्रेंड्स, गटर्स का मतलब होता है बाइंडिंग के लिए अलग से जगह छोड़ना। अगर आपके पास लेफ्ट साइड से मार्जिन कम होगा और आप अपनी फाइल को बाइंड करवाते हैं तो वो पेजेस आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गटर्स यूज़ करते हैं स्पेशल स्पेसिंग छोड़ने के लिए। ठीक है, गटर्स हम लेफ्ट पे, टॉप में और राइट साइड में आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसी तरह से अब आपको पेज के दो ओरिएंटेशन अवेलेबल होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पेज क्या होगा, लेंथ वाइज मिलेगा हमें और लैंडस्केप में हमें विड्थ वाइज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम। फर्स्टली हमारे पास अब देखिए कितने पेजेस हैं, हमारे पास टू पेजेस हैं और हम इस पेज को क्या करना चाहते हैं, मार्जिन्स पे हम दोबारा चाहते हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ से जो सेकंड पेज है ये क्या हो जाए, डिस पॉइंट फॉरवर्ड। ओके सॉरी, कस्टम मार्जिन्स, लैंडस्केप और यहाँ से क्या कर दिया हमने, डिस पॉइंट फॉरवर्ड। ओके तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये पेज होगा ये पेज आपका पोर्ट्रेट रह जाएगा और ये पेज आपका क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। इसी तरह से अगले वाले पेजेस जितने भी आएंगे वो सभी आपके लैंडस्केप हो चुके हैं। अगर आप उसे फिर से पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से वही मार्जिन्स, कस्टम मार्जिन्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से पोर्ट्रेट पे जाएंगे, यहाँ से क्या क्लिक करेंगे, डिस पॉइंट फॉरवर्ड। ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आने वाले अगले पेजेस आपके क्या हो गए, पोर्ट्रेट हो गए और ये वन पेज ही आपका क्या होगा, लैंडस्केप होगा। नेक्स्ट है आपके पास, फिर से हम कस्टम मार्जिन में चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिलेगा आपको पेजेस, यहाँ पर देखिए आपको पेजेस अवेलेबल हो रहे हैं। पेज का साइज़ आप क्या रखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे सेट करेंगे कि आपको पेपर किस तरह का सेट करना है। जैसे कि जो भी आपके पेपर का साइज़ होगा, जैसे A4 पे अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहें तो आप यहां से A4 पेपर साइज़ चूज़ करेंगे, यहां से उसकी विड्थ और हाइट आपको अवेलेबल हो रही है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हो आपके पास प्रिंट ऑप्शन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस चीज़ को प्रिंट में ले और किस चीज़ को छोड़ दे। जैसे कि हमारे पास ऑलवेज शोइंग दिस फॉर्मेट मार्क्स ऑन द स्क्रीन, इसके अंदर से सिर्फ ऑब्जेक्ट हमने क्या किया हुआ है, एंकर पे ही क्लिक किया हुआ जो हमें शोएबल हो, बाकी जितने भी हिडन टेक्स्ट होता है हमारा, ठीक है, पैराग्राफ मार्कर हो गए, टैब्स के टैब करेक्टर्स हो गए, ये हमें शो अगर करवाना चाहते हैं आप प्रिंट में तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये भी आपको क्या होंगे, शोएबल हो जाएंगे। इसी तरह से आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंटिंग ऑप्शन, आप किस चीज़ का प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग ऑप्शन क्रिएट इन वर्ड। और अगर यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये अनचेक रहता है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस। अगर आप क्या चाहते हैं कि सपोज कीजिए इससे पहले हम क्या करते हैं, इसे एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करवा देते हैं। हम चलते हैं डिज़ाइन में, डिज़ाइन में हमने इसे एक पेज का कलर प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, करवाने के बाद हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ से गए अब आप प्रिंट में गए, आप देखिए जो इसका प्रिंट प्रीव्यू होगा वो कैसा आएगा, विदाउट कलर आपको नज़र आएगा। अगर आप दोबारा से इसका कह सकते हैं कलर के साथ चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे, मार्जिन्स में जाएंगे कि आपको कलर्स भी
बैकग्राउंड में अवेलेबल हो पेपर के, तो आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, पेपर्स प्रिंट ऑप्शंस, और यहाँ से आप क्या क्लिक करेंगे, प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस। ओके, अगर आप अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ से गए हम, यहाँ से अपने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो देखिए जो कलर्स होंगे वो भी आपको क्या होंगे, यहाँ से शो होंगे, जो बैकग्राउंड कलर था ठीक है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम जो चीज़ प्रिंटिंग में चाहते हैं उसे हम रख सकते हैं, और जिसे नहीं लेना चाहते उसे यहाँ से आप हटा सकते हैं। अलग अलग और ऑप्शन दे रखे हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, जो आपका हिडन टेक्स्ट है अगर आप उसे भी क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंटिंग में लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो भी आपको यहाँ पर क्या होगा नज़र आ जाएगा। इसी तरह से आपको एक और ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है लेआउट, लेआउट में अब आपको यहाँ पर हेडर फुटर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि आप हेडर से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं पेपर में, और फर्स्ट पेज पे अगर आप अलग हेडर चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज पर क्या होगा आपका अलग हेडर आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट लाइन नंबर और बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे अब हम चलते हैं ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस में वही है कि हम दो तरह के पेपर साइजेस आपके पास आएंगे, स्टाइल्स आएंगे, एक आएगा आपके पास पोर्ट्रेट और एक आएगा लैंडस्केप। अगर आप लैंडस्केप चाहते हैं तो लैंडस्केप पे आ जाएंगे, अगर आप पोर्ट्रेट पेज स्टाइल चाहेंगे तो पोर्ट्रेट पेज ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका अवेलेबल होगा साइजेस, यहाँ से नंबर ऑफ साइजेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी पेपर का साइज़ अगर आप यहाँ से चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मोर पेपर साइजेस में जाएंगे तो वही ऑप्शन जो अभी हमने किया पेज सेटअप आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप नंबर ऑफ पेज के साइज़ क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे अगला ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा कॉलम्स। कॉलम्स के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन से नया पेज ले लेते हैं, फिर हम पेज लेआउट में चलते हैं। यहाँ पर अब हम किस पे क्लिक करते हैं, दो कॉलम्स या थ्री कॉलम्स में, अगर आप जितने कॉलम्स में अपने पेपर को डिवाइड करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे ही हमने थ्री के अंदर डिवाइड किया तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो आपका इंडेंट है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह से क्या होगा डिवाइडेबल होगा। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ भी लिखना है तो हम आर एन डी से लिख लेते हैं, जिससे हमने 10.10 कुछ भी लिखा। देखिए फ्रेंड्स, और अगर आप क्या चाहते हैं ब्रेक ऑप्शन को करना, तो ब्रेक को हम किस प्रकार कर पाएंगे, सपोज कीजिए अब आपका कर्सर यहाँ पर है तो ब्रेक ऑप्शन पर चलते हैं। ब्रेक में सबसे पहला आएगा आपके पास पेज ब्रेक, अगला है कॉलम ब्रेक, उससे अगला है टेक्स्ट रैपिंग। कॉलम ब्रेक क्या होगा आपके पास, जैसे कि आप क्या चाहते हैं कि जो ये वाला टेक्स्ट है यहाँ से आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, और आप किस पे क्लिक करेंगे पेज पे, तो जो भी वो टेक्स्ट होगा वो आपको नेक्स्ट पेज पे तो आपका ब्रेक होकर चला जाएगा। और इसी तरह से अगला ऑप्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होता है कॉलम ब्रेक। अगर आप अभी आप जो कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे वो यहीं का यहीं आपका लिखा जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरफ कोई भी टेक्स्ट क्या करना है लिखना है तो आप क्या करेंगे ब्रेक पर जाएंगे, कॉलम ब्रेक पर जाएंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप वन पेजेस पे चाहें तो वन पेजेस पे भी इस टेक्स्ट को ले सकते हैं ब्रेक में। अब हमें अगला ऑप्शन अवेलेबल होगा टेक्स्ट रैपिंग। अगर आप टेक्स्ट रैपिंग करना चाहते हैं, फर्स्टली आप अपना कर्सर कहीं पे भी रख दीजिए, अगर आप ये जो टेक्स्ट है इसे आप अगली लाइन में लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट रैप पे क्लिक करेंगे और जो ये टेक्स्ट होगा ये आपका अगली लाइन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से हम ब्रेक ऑप्शन को यूज़ करते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग। अब हमारे पास अगले ऑप्शन अवेलेबल होंगे सेक्शन ब्रेकिंग। अगर आप हर पेजेस पर अलग अलग तरह के स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं और अलग से कोई पेज नंबर डालना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक में जाकर सेक्शन ब्रेकिंग का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली जैसे जैसे कि हम इंसर्ट में चलते हैं यहाँ से हम इसे पेज नंबर अवेलेबल करवा देते हैं। बॉटम में गए, अब हम बॉटम में जाकर हमने जैसे ही कोई भी पेज नंबर दिया क्लोज कर दिया तो देखिए यहाँ पर हमें पेज नंबर अवेलेबल हो गए। अब हम थ्री के बाद क्या चाहते हैं कि हमारे जो
यहाँ पर जो 4 आ रहा है यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को शुरू करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे फ्रेंड्स। इंसर्ट पे जाने के बाद सॉरी पेज लेआउट में जाएंगे हम, ब्रेक्स पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। अब ये पेज आपका इससे अलग हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिंक टू प्रीवियस पे जाएंगे। और लिंक टू प्रीवियस पे जाने के बाद अब हम पेज नंबर्स में आएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर में आएंगे, स्टार्ट ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं बन चाहता हूँ, ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपके पेज नंबर होंगे वो क्या से शुरू हो गए, वन से शुरू हो गए। और अगर आप यहाँ से आप अलग इसे फुटर स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे। अब आप पेज नंबर्स में दोबारा चलते हैं, यहाँ पर अगर आप और कोई स्टाइल जैसे कि रोमन नंबर आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर रोमन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। ब्रेक के अंदर हमें अगली कमांड अवेलेबल होगी कॉन्टिन्यूस। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर अपना कर्सर रखते हैं, फिर से हम ब्रेक पर जाते हैं, कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करते हैं। अब जो ये पहरा है ये बाकी और डॉक्यूमेंट से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। यहाँ पर आप अलग से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ का इंडेंटेशन चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे कि अगर हम इसे कॉलम में डिवाइड करना चाहें तो कॉलम्स में करें तो दो कॉलम्स में आ जाएगा। और यहाँ देखिए जो भी ये टेक्स्ट था वो केवल चेंज कहाँ पर हुआ, इसी के अंदर हुआ, दो कॉलम्स में। यहाँ पर इसका कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इससे अलग हो चुका है। पेज ब्रेक के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा लाइन नंबर से। हम लाइन नंबर पे जाएंगे, यहाँ से कंटिन्यूटी पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आप लाइन नंबर किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप लाइन नंबर नहीं चाहते तो आप नन पर क्लिक करेंगे, लाइन नंबर से यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन हमें अवेलेबल होगा हाइफनेशन। जैसे ही हम हाइफनेशन में, दो ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे, ऑटोमेटिक और मैनुअल। जैसे ही आप ऑटोमेटिक पे जाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये मार्क आ जाएगा आपके पास। किसका मतलब है कि ये जो वर्ड है वो इकट्ठा है, यानी कि डॉक्यूमेंट। ठीक है, DOCU, इसके बाद एक हाइफन का निशान आ जाएगा, इसे बोलते हैं हाइफनेशन। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप नन पे क्लिक करेंगे, हाइफनेशन को आप हटा सकते हैं। अगर आप इसे मैनुअल चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर मैनुअल ये कहाँ पर चाहते हैं, वहाँ से आप PS पे क्लिक करेंगे तो देखिए DOC आया आपके पास। अब डिज़ाइन का आ रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप हाइफनेशन देना चाहें वहाँ पर आप हाइफनेशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ से डायरेक्टली पे हम क्लिक कर देते हैं, अगला अगर हम चलें तो फिर से आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। आप यहाँ से चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आप हाइफनेशन को मैनुअल और ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ से नन पे क्लिक करेंगे, आप हाइफनेशन यहाँ से हटा देंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।